बेस्ड ऑन द हिंदू आप सबके लिए दोस्तों सरप्राइज है लाइव ऑन ऑगस्ट 13 ऑफ दिस मंथ एट 7 PM वी विल हैव द सुपरस्टार कार्तिक आर्यन विद अस इन द सुपर चैट विद कार्तिक आर्यन यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर लकी ड्रॉ एंड विन प्राइजेस फॉर 25 लाख रुपीज एंड इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है हाउ कैन यू पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर सेशन सो चलिए शुरू करते हैं गाइज एंड अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरी वन माई नेम इज कुश पांडे एंड यू वॉचिंग द डेली करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू आर लाइफ इज शेप्ड बाई आर माइंड फॉर वी बिकम वॉट वी थिंक हमारी जिंदगी और ये बात याद रखिएगा हमारी जिंदगी हमारी लाइफ हमारे सोचने पर निर्भर है अगर हम सोचने पर लगें कि आसान है तो आसान है और अगर सोच ये रही कि मुश्किल है तो मुश्किल है तो ये हम सबके लिए डिसाइड करना है वी हैव टू डिसाइड वेदर इट इज़ ईजी और वेदर इट इज़ समथिंग दैट वी कैन नॉट परफॉर्म सो अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग परिनीता वेलकम बैक अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन एंड लेट्स स्टार्ट टूडेज डिस्कशन गाइज पर उससे पहले आई वॉन्ट वॉन्ट एवरी वन टू जॉइन आर टेलीग्राम ग्रुप दिस इज़ अ चैनल गाइज विच हैज़ मोर दैन 5,000 सब्सक्राइबर्स एंड ये आपके हेल्प से बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है तो फटाफट इसको ज़रा शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये टेलीग्राम का चैनल पहुँच जाए तो चलिए शुरू करते हैं गाइज एंड लेट्स स्टार्ट विद द 9th एंड द 10th ऑगस्ट करंट अफेयर्स एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड सो आई एम होपिंग एवरी वन इज एंड लेट्स डिस्कस द फर्स्ट ऑफ ऑल बट गाइज आई कैन रिपीट ये एक फन फैक्ट भी है 8 AM एंड 4 PM अगर आप ये दो शोज लगातार देखोगे वेदर इट इज़ IBPS PO वेदर इट इज़ SSC वेदर इट इज़ डिफेंस वेदर इट इज़ रेलवेज और UPSC प्रीलिम्स लेवल आपका वो कवर हो जाएगा बट फॉर दैट प्लीज़ बी रेगुलर इन 8 AM एंड 4 PM ऑल माई रेगुलर व्यूअर्स गिव मी अ थम्स अप बिकॉज आई वॉन्ट स्पेशली ऑल ऑफ यू टू बी रेगुलर गिव मी अ थम्स अप एवरी वन फॉर 8 AM एंड 4 PM चलिए तो शुरू करते हैं और आज के हमारे जो चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस हैं उनको देख लेते हैं फिर से आज के हमारे जो चैंपियन ऑफ चैंपियंस हैं उनका नाम दोस्तों है सुनैना मंदानिया शी इज़ अ वेटरन इन टर्म्स ऑफ चैंपियनशिप्स एंड वो फिर से इस बार चैंपियन हैं पर इस बार हमारे जो टॉप 4 विनर्स हैं उनमें चेंज आया है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एट सेकंड प्लेस वी हैव आयुष एट थर्ड प्लेस वी हैव अ न्यू एंट्रेंट बाय द नेम प्रिया एट फोर्थ वी हैव अरूप एंड एट फिफ्थ पोजीशन वी हैव अ न्यू एंट्रेंट अगैन दैट इज पीयूष सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द न्यू एंट्रेंट्स इन द चैंपियन ऑफ चैंपियंस तो चलो शुरू करें और ले चलें आपको हमारे आज के क्विज पर सबसे पहले दोस्तों आज के हमारे जो भारतीय हैं उनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद जी इनके बारे में आपने कई कहानियाँ सुनी होंगी और ये मेरे हिसाब से सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर्स में से एक हैं आज डिस्कस करेंगे दोस्तों हम फिर से डैम्स के बारे में आज पार्ट 3 डिस्कस करेंगे ना कि पार्ट 2 एंड फिर इसी पर आपके लिए क्विज स्टार्ट करेंगे सो आई वॉन्ट योर फोकस आई वॉन्ट एवरी वन कि भाई वो ढंग से फोकस करें और ये रहा आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पर जामरानी डैम is in Uttarakhand, is on the river Gola. Rihand Dam is in Uttar Pradesh, it's on the river Rihand. ये आपके डैम्स की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है कांगसाबाती कुमारी is in West Bengal, कसाई पोलावरम is in आंध्र प्रदेश गोदावरी कोहेरा is in बिहार कोहेरा दुधवा is in छत्तीसगढ़ महानदी कदाना is in गुजरात माही कोल इज़ इन हिमाचल प्रदेश सतलज सलाल डैम इज़ इन जम्मू कश्मीर एंड चेनाब आई गिव यू 10 seconds गाइस एक बार पढ़ लीजिएगा इसको एंड फिर हम इस पे आपसे 5 क्वेश्चंस को पूछेंगे 5, 4, 3, 2, 1 and 0 एंड हियर आर द 5 क्वेश्चंस गाइस आई होप एवरीवन इज़ रेडी एंड हियर इज़ क्वेश्चन नंबर 1 रिहंद डैम इज़ ऑन विच रिवर किस नदी पर आपका रिहंद बांध है उत्तर प्रदेश में है ये एंड द आंसर इज़ इट्स रिहंद रिवर पे आपका ये है सवाल प्रिया अर्जुन ऋषभ देख तो लो सवाल क्या है सवाल था किस नदी पे है द आंसर इज़ रिहंद क्वेश्चन नंबर 2 पोलावरम डैम इज़ ऑन विच रिवर जो पोलावरम डैम है वो आपका कौन सी नदी पर है द आंसर इज़ इट्स गोदावरी गोदावरी में है आपका उसका नाम है पोलावरम डैम या पोलावरम डैम क्वेश्चन नंबर 3 कोहिरा डैम इज़ इन विच स्टेट किस राज्य में आपका कोहिरा डैम है एंड द आंसर इज़ इट्स इन बिहार जिया हो बिहार के लाला क्वेश्चन 4 कोल डैम इज़ इन विच स्टेट इनमें से किस राज्य में आपका कोल डैम है एंड द आंसर इज़ इट्स हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में दोस्तों आपका जो है वो कोल डैम है क्वेश्चन नंबर 5 सलाल डैम इज़ इन विच स्टेट किस राज्य में आपका सलाल डैम है एंड द आंसर इज़ इट्स जम्मू एंड कश्मीर सो गाइस 5 क्वेश्चन हो गए हैं जिनका स्कोर 515 था वो रेगुलर हैं और उनकी जो मेमोराइजिंग पावर है वो काफ़ी बढ़िया है सो इट्स अ वेरी गुड थिंग ओके
आगे बढ़ने से पहले गाइस, आई वुड वांट एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन जो वीडियो को देख रहा है कि लिंक को कॉपी करें एंड टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ जहाँ पर भी आप हैं शेयर कर मारें, ठीक है, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुँच सके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आर क्वेश्चन नंबर वन। Which state has launched an electric vehicle policy which aims to ensure 25% vehicles to be electric in the state? किस राज्य की सरकार ने एक इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की है जिसका उद्देश्य राज्य में 25% वाहनों को इलेक्ट्रिक सुनिश्चित करना है? इसका आंसर दोस्तों जो है वो है ऑप्शन डी, जो कि है आपका दिल्ली। क्वेश्चन नंबर वन गाइज, महाजॉब्स पोर्टल हैज बीन स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इनमें से कहाँ पर स्टार्ट हुआ है आपका महाजॉब्स पोर्टल? एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन बी, दैट इज महाराष्ट्र। द राम जन्मभूमि टेम्पल इज सिचुएटेड, द राम जन्मभूमि भूमि पूजन सेरेमनी हैपन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? एंड द आंसर इज इट हैपन्ड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर थ्री, रोजगार बाजार हैज बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? रोजगार बाजार, एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन डी, दैट इज दिल्ली। एंड क्वेश्चन नंबर फोर गाइज, अ न्यू स्कीम फॉर तेंदुआ लीफ कलेक्टर्स हैज बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट? तेंदुआ लीफ कलेक्टर्स के लिए एक नई योजना कौन से राज्य में स्टार्ट की गई है? उसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज ऑप्शन ई, दैट इज छत्तीसगढ़। ये सवाल आपका 1.5 मार्क्स का है बिकॉज ये लेटेस्ट है और ये रेगुलर व्यूअर्स को ही आता होगा। क्वेश्चन टू पे आते हैं, द रॉकफेलर फाउंडेशन हैज सेलेक्टेड नांदी फाउंडेशन एज वन ऑफ द टॉप 10 विजनरीज इन द वर्ल्ड फॉर द फूड विजन 2050 प्राइज। द क्वेश्चन इज द नांदी फाउंडेशन इज बेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? इनमें से किस शहर में आपको नांदी या नांदी फाउंडेशन की स्थापना होगी जिसे टॉप 10 विजनरीज में से एक में शामिल किया गया है? द आंसर इज इट्स ऑप्शन बी, दैट इज हैदराबाद। हैदराबाद में आपका ये जो है वो सिचुएटेड है। My first question to everyone guys is because हम options की बात कर रहे हैं, Serum Institute has recently collaborated with Gavi and Bill and Melinda Gates Foundation. सवाल है ये किस particular city में है? इसका answer है आपका option B, that is sorry option C, that is Pune. Pune में आपका है Serum Institute. Question number two guys, which of the following cities hosted the 107th Indian Science Congress? कहाँ पर होस्ट हुआ था आपका 107वां ISC? The answer is option A, that is Bengaluru. Question number three guys, the National Youth Day main event was held in which of the following city? ये question 2 marks का है, सवाल जनवरी का है और जो मेरे super duper regular viewers हैं पिछले 4 महीनों से उनको आंसर आता होगा। The answer is option D, that is in Lucknow. Question number 4 guys, the second global initiative after ISA, that is the CDRI, that is the coalition for disaster resilient infrastructure, iske headquarters kahan par hai? The answer is absolutely correct, option E, that is New Delhi. And the question number 5 guys, Sayyam app has been started in which of the following cities? Sayyam app ko inme se kis city mein haal hi mein shuru kiya gaya hai? Iska answer hai aapka option C, that is Pune. समझ में आ रहा है सबको, मज़ा आ रहा है सबको गाइस? दबा के वीडियो शेयर करते रहो, हमें अगस्त मंथ में 1000 व्यूअर्स क्रॉस करने हैं, आपके हेल्प के बिना हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन थ्री पे आते हैं, द कावकास 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज शैल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? जो कावकास आपका जो है वो इनमें से कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर दोस्तों है आपका ऑप्शन सी, जो कि है रशिया। All the SCO, that is all the Shanghai Cooperation Organization members, including India, Pakistan, China, will participate in Kavkaz 2020 to be held in Russia. Question 1 guys, Mark Anthony Phillips, ya Mark Anthony, sorry, maaf karna, Irfan Ali bata dijiye. Irfan Ali has been appointed as the president of which country? Fatafat batayega jaldi se. What is the answer guys of this question? And the answer of this question guys is, it is Guyana. Bilkul sahi. Question number 2 guys, out of the following options, recently which country has been added as an observer to the World Trade Organization? Jo WTO hai, inme se kaun sa country as an observer aapka add hua hai? The answer is option D, that is Turkmenistan. Absolutely correct. Question number 3 guys, Tianwen-1 is a mass probe of which of the following? Tianwen-1, and the answer is it's option B, that is aapka China. Absolutely correct. Chaliye aage badhte hain. Serum Institute has collaborated with Gavi and Bill and Melinda Gates Foundation.
The question is, it will manufacture and deliver up to 100 million doses of COVID-19 vaccines. सवाल है यहाँ पर, आपके सामने इसका हिंदी भी दिया हुआ है, इसके मुख्यालय इनमें से किस शहर में है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, इसका आंसर आपका जो है, माफ़ करना, दैट इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ पुणे, पुणे में, भाई इसको करेक्ट कर लीजिएगा, पुणे में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर वन गाइस, मोटेरा स्टेडियम इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? जो मोटेरा स्टेडियम है वो आपका इनमें से कहाँ सिचुएटेड है? द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर टू गाइस, प्राणवायु प्रोग्राम ये इनमें से किस स्टेट में स्टार्ट किया गया था? द क्वेश्चन इज प्राणवायु प्रोग्राम एंड द आंसर इज इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज ऑप्शन सी, दैट इज बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर थ्री गाइस, उस्मान अली खान whose last daughter recently passed away was the king or was the royalty of which of the following city? Usman Ali Khan, the answer is it is option D, that is Hyderabad. Bilkul sahi jawab hai aapka. Aage badhte hain. Who has been appointed as the prime minister of the Democratic and Socialist Republic of Sri Lanka? Sri Lanka ke loktantrik aur samajwadi garnrajya ke pradhanmantri ke roop mein inme se kin ki niyukti hui hai? And the answer of this question is it's option B, that is Mahinda Rajapaksa. ये बने हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, कन्फ्यूज़ मत करिएगा। गोटाबाया राजपक्सा जी जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं और महिंदा राजपक्सा आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। सिमिलरली केपी शर्मा ओली साहब जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के, ये वही हैं जिन्होंने कहा था राम जी का जो ओरिजिन है वो नेपाल में है। पता नहीं कौन सी गोली खा ली इस ओली ने, पता नहीं। इरफान अली की बात करें तो मैंने पहले बताया प्रेसिडेंट है गयाना के, और मार्क फिलिप्स आपके जो हैं ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ गयाना, ये अभी हाल ही में दोनों अपडेट हुए हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सिक्स पर। लोया जिरगा इज अ हाईली रिस्पेक्टेड ट्रेडिशनल कंसल्टेटिव बॉडी ऑफ विच कंट्री? लोया जिरगा इनमें से किस देश की एक अत्यंत सम्मानित पारंपरिक परामर्शदात्री निकाय है? अगर हम आज की बात करें तो आज के पेपर लिखा हुआ है कि दे हैव अलाउड द रिलीज ऑफ 400 तालिबानी सोल्जर्स, उसको उन्होंने अलाउ कर दिया है। देखो सारे ऑप्शन गड़बड़ हैं, देखो मैंने ये होता है जब आदमी बिना सोच के ऑप्शन लिखता है। इसका आंसर है आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट गाइज। क्वेश्चन वन पे आते हैं गाइज, नूर इज अ सैटेलाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? नूर एंड द आंसर इज इट्स ऑप्शन ए, दैट इज ईरान, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर टू गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मुस्लिम ब्रदरहुड has been banned by which of the following? Muslim Brotherhood को इनमें से उसके ऑफिस को किसने हटा दिया है? याद रखिएगा गाइस, ये सवाल टू मार्क्स का है, जो लोग बहुत ही फोकस करके पढ़ते हैं उनको ही आंसर आता होगा। The answer is option C, that is Jordan. Question number three guys, which of the following countries has converted the Hagia Sophia into a museum? बहुत ही आसान सवाल है, 0.5 मार्क्स का। The answer is option D, that is Turkey. And recently a gas explosion, an ammonium nitrate explosion happened in which of the following countries? Beirut में आपका हुआ और ये capital city है आपकी Lebanon की, absolutely correct. आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the head of the expert committee to make recommendations on norms for the resolution of COVID-19 related stressed loans? COVID-19 संबंधित तनावग्रस्त ऋणों के समाधान के लिए मानदंडों पर सिफारिशें करने के लिए इनमें से कौन अध्यक्ष बनाए गए हैं? इनका नाम दोस्तों है आपका ऑप्शन ई, जो कि है श्री केवी कामत। बाकी ऑप्शन भी सही हैं, आश्विन पारेख, सुनील मेहता, टीएन मनोहरन, दिवाकर गुप्ता, ऑल ऑफ दी अदर्स आर मेंबर्स। सिमिलरली सुनील मेहता हु इज द हेड ऑफ द IBA, he is the member secretary of this particular body. IBA is Indian Bankers Association, उसके जो अध्यक्ष हैं वो इसके member secretary आपके बनाए गए हैं। KV कामत साहब की बात करें तो he is the former अच्छा एक करेक्शन कर लीजिएगा, हेगिया सोफिया को आपका अब बनाया गया है मॉस्क, पहले म्यूजियम था अब वो मॉस्क है, मेरी गलती हो गई होगी। KV कामत साहब वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिनको रिप्लेस किया है मार्कोस ट्रॉइजो ने रिसेंटली एज द प्रेजिडेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक विच वॉज सेटअप बाय ब्रिक्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज हैज लॉन्च्ड अ बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स? निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स को दोस्तों लॉन्च किया है? अभी हाल ही में दोस्तों न्यूज़ में था, बिकॉज 40% का डिक्रीज देखा गया है बिजनेस कॉन्फिडेंस में। इसका आंसर दोस्तों जो है, दैट इज ऑप्शन
सी दैट इज़ दी एन सी गाइज ओनली 491 पीपल वॉचिंग, फटाफट वीडियो को शेयर करो ताकि 500 तो क्रॉस करें, हम आज 1000 भी क्रॉस करें, फटाफट वीडियो को शेयर करना स्टार्ट करो। इसका आंसर है आपका एन सी ए आर। माई फर्स्ट क्वेश्चन टू एवरी वन गाइज इज विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्चेज द परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इनमें से कौन दोस्तों PMI को लॉन्च करता है। तो गाइज PMI को इनमें से जो लॉन्च करता है उसका नाम है IHS मार्केट इंडिया, बिल्कुल सही। क्वेश्चन टू गाइज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कोलैबोरेटेड विद इसरो फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इनमें से किसने टाइप किया है इसरो के साथ स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए और एस्ट्रोफिजिक्स के लिए। द आंसर इज एरीज। अब एक सवाल है 1 मार्क का, एरीज के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? एब्सोल्युटली करेक्ट, एरीज के हेडक्वार्टर्स आपके हैं नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली अ बिहेवियर चेंज कैंपेन वॉज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसने स्टार्ट किया था एक बिहेवियर चेंज कैंपेन। द आंसर इज इट्स ऑप्शन डी, इट इज द नीति आयोग। सबको समझ में आ रहा है गाइज, फटाफट शेयर करना स्टार्ट करो, 500 तो क्रॉस करना ही है, हमें 1000 क्रॉस करना है गाइज, 1000 टारगेट है हमारा। आगे बढ़ते हैं। द 2021 T20 वर्ल्ड कप शैल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इनमें से किस देश में आपके 2020 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो होने वाला है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या फिर श्रीलंका। एंड द आंसर इज, इसका फटाफट आंसर दीजिएगा, इसका जो आंसर आपके सामने है दैट इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ इंडिया। 2022 में वर्ल्ड कप होगा ऑस्ट्रेलिया में, 2021 में इंडिया में ही आपका वर्ल्ड कप जो है वो होने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन 1 मेरा बनेगा आपसे, एक बार ज़रा मेरे को थम्स अप कर दो गाइस, बिकॉज मैं देख रहा हूँ बहुत लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन टू आंसर, गिव मी अ थम्स अप, बिग वन एवरी वन, ऑल माई रेगुलर व्यूअर्स गिव मी अ बिग थम्स अप। ओके, आउट ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विच कंट्री हैज़ कम्प्लीटेड 100 डेज विदाउट अ सिंगल केस ऑफ कोरोना वायरस, इनमें से कौन सा कंट्री है जिसने 100 दिन बिता दिए हैं बिना किसी कोरोना वायरस केस के। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज न्यूजीलैंड, बिल्कुल सही। क्वेश्चन 2 आसान सवाल है, इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड $400 million एज करेंसी स्वैप टू विच कंट्री, किसको दिए हैं गाइज? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ई, दैट इज श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 3 गाइज, रिसेंटली सेरम कोलैबोरेटेड विद गावी एज वेल एज बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, माई क्वेश्चन इज द गावी अलायंस वॉज होस्टेड बाय विच कंट्री, ये सवाल फिर से बन गया है, किसने होस्ट किया इसको? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ इंग्लैंड या फिर UK, इसने दोस्तों इसको आपका अभी हाल ही में आपका होस्ट किया है, बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जिम बैंक हैज़ एक्सटेंडेड अ $250 million लोन टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इनमें से किस कंट्री पे $200 million का एक लोन जो है वो अभी हाल ही में एग्जिम बैंक ने दोस्तों जो है वो प्रोवाइड किया है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ मोजाम्बिक। अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस की बात करें गाइस, तो सबसे पहला यहाँ पर जो आता है दैट इज़ मालदीव्स। मेरे को बताओ मालदीव्स का कैपिटल करेंसी क्या है? देखो मालदीव्स का कैपिटल करेंसी जो है, माले इज़ द कैपिटल एंड द करेंसी इज़ RUFIYAA, रूफिया इज़ द करेंसी। सिमिलरली गाइज मोजाम्बिक भी आपका न्यूज़ में मैंने आज बता दिया आपको है, तो मोजाम्बिक की बात करें तो मोजाम्बिक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है और इसका कैपिटल है आपका मापूतो और जो करेंसी इसकी है दैट इज़ मेटिकल, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मॉरिशस, मॉरिशस न्यूज़ में है बिकॉज इंडियन प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर प्रवीण जुगनॉथ दे हैव इनॉग्रेटेड द सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑफ मॉरिशस, तो इस वजह से न्यूज़ में है। इसका कैपिटल आपका है पोर्ट लुई, पोर्ट लुई गाइस इज़ द कैपिटल एंड रूपी इज़ द करेंसी। नेक्स्ट आपका दोस्तों जो है दैट इज़ निकारागुआ। मेरे को कौन बताएगा निकारागुआ न्यूज़ में क्यों है, फटाफट बताइएगा व्हाई इज़ निकारागुआ इन न्यूज़। बिल्कुल सही, इट इज़ द 87th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका 87th मेंबर है। इसका कैपिटल है मनागुआ, ये इसका कैपिटल है गाइस, ऑल राइट। और जो करेंसी इसकी है इसको लिख लीजिएगा, करेंसी इसकी है कोरडोबा, कोरबो लोरबो जीत बेरे कोरडोबा। और आखिरी में आपका दोस्तों आता है मेडागास्कर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। मेडागास्कर की बात करें तो इसका कैपिटल जो है दैट इज़ एंतानानारिवो, ये इसका दोस्तों जो है दैट इज़ द कैपिटल। और जो करेंसी इसकी है दैट इज़ आपका एरियारी, अरियारी इज़ द करेंसी ऑफ मेडागास्कर। सबको याद रहेगा ये, एवरी वन गिव मी अ थम्स अप अगर आपको समझ में आ गया है, बिकॉज गाइज ये सारा इंपॉर्टेंट है और ये सारा रेलिवेंट भी है। ऑल राइट, क्वेश्चन 11 पे आते हैं। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से किसके चेयरमैन के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर बनाया गया है प्रदीप कुमार जोशी को।
CBSE, ASI, CAG, DCGI या फिर आपका UPSC। इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज़ ऑप्शन ई, दैट इज़ UPSC। अब ज़रा रेगुलर व्यूअर्स ज़रा एक बार मेरे को लव साइन दे दो, बिकॉज मैं जानना चाहता हूँ कौन रेगुलर है कौन कैजुअल है, बिकॉज सवाल आपके लिए है रेगुलर व्यूअर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन, CBSE के कौन चेयरमैन है, फटाफट बताइएगा, रिसेंटली न्यूज़ में है। इसका आंसर है आपका मनोज कुमार। क्या हमने 500 क्रॉस किया, कमेंट कर दीजिएगा येस या नो, नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को शेयर करते रहो। द आंसर इज़ इट इज़ मनोज कुमार आहूजा जी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी मैं डिस्कस किया है, इसके दोस्तों इनमें से दोस्तों MD CEO कौन है, ज़रा फटाफट आंसर कीजिएगा। एंड इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज़ बिल्कुल सही, मिस वी विद्यावती। आंसर क्या होगा, मिस वी विद्यावती इज़ एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, नए CAG कौन है, ज़रा फटाफट बताइए गाइस। 523 लोग देख रहे हैं, काफ़ी कम लोग देख रहे हैं, दबा के शेयर करो, हमें 600 क्रॉस करना है। इसका आंसर है आपका GC मुर्मू, और ये बिल्कुल सही, और ये अब बने हैं नए CAG। और DCGI कौन है, इनका आंसर होगा आपका VG सोमोनी। क्या नाम है इनका, VG सोमोनी, एब्सोल्यूटली करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, PNB हाउसिंग फाइनेंस हैज़ अपॉइंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग एज द इट्स MD एंड CEO। इनमें से किसके MD CEO बने हैं आपके, PNB हाउसिंग फाइनेंस ने किसको बनाया है MD CEO। इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ श्री अश्विनी कुमार तिवारी, इनको बनाया गया है द MD CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस। बाकी इन अक्टूबर द न्यू MD CEO ऑफ HDFC बैंक विल बी शशिधर जगदीशन। इंजय श्रीनिवास, ही इज़ द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, जो कि गांधीनगर में है। विनी महाजन इज़ द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल, वुमेन DG, वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब, उस वजह से न्यूज़ में। रंजन गोगोई अभी हाल ही में इनको HRD का जो एक पैनल है उसमें ऐड किया गया है। अच्छा, एक करेक्शन कर लीजिएगा, शायद गलती हुई है मेरे से। आंसर यहाँ पर होगा आपका हरदयाल प्रसाद, मेरा आंसर गलत है गाइस, मेरी तरफ से गलती है, हरदयाल प्रसाद। भाई कोई कमेंट मत कर देना कि सर ये आंसर, मैंने आंसर करेक्ट कर लिया है। आंसर यहाँ पर जो है वो है हरदयाल प्रसाद। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर होगा फिर, अश्विनी कुमार तिवारी क्या है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ अश्विनी कुमार तिवारी जी, फटाफट बताइएगा। मैंने करेक्शन कर लिया मेरे भक्तों, मेरे भाइयों, हरदयाल प्रसाद सही लिख दिया मैंने, ठीक है। और जो रंजन गोगोई साहब हैं कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो कमेटी है उसमें है, EAM कमेटी में आपके ये हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही। हाँ गलती हो गई मेरे से, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। हाँ, SBI कार्ड के अध्यक्ष हैं आपके अश्विनी कुमार तिवारी। समझ में आ गया गाइस, क्लियर हो गया, डाउट तो नहीं किसी को, प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। यस, फटाफट थम्स अप दे दो, वापस आते हैं, हो सकता है गलती हो गई हो। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 13। LIC इज एक्वायर्ड 4.23% स्टेक इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। इनमें से किस बैंक में 4.23% का स्टेक अक्वायर किया है LIC ने, एक्सिस बैंक, येस बैंक, HDFC बैंक, PNB या फिर आपका फेडरल बैंक। एंड द आंसर इज़ आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ येस बैंक में इन्होंने 4.23% का शेयर अक्वायर किया है। अब ज़रा एक बार येस बैंक का क्विज खेल लेते हैं, बिकॉज काफ़ी रेलिवेंट है। येस बैंक हैज़ लॉन्च्ड स्वास्थ्य कार्ड विथ विच अदर ऑर्गेनाइजेशन, जो स्वास्थ्य कार्ड हैं वो इनमें से किस और संगठन के साथ स्टार्ट किए गए हैं। उसका आंसर है आपका अफोर्ड प्लान के साथ ये स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, हाउ मच परसेंट स्टेक डिड येस बैंक अक्वायर इन डिश TV। फटाफट आंसर करना स्टार्ट करो। द आंसर इज इट इज़ 24.19%। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, हु इज़ द MD एंड CEO ऑफ येस बैंक। येस बैंक के MD CEO दोस्तों कौन है, इसका आंसर है श्री प्रशांत कुमार। आंसर क्या होगा, श्री प्रशांत कुमार, ठीक है, बिल्कुल सही। एंड क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द न्यू चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ येस बैंक। येस बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर दोस्तों कौन है, एब्सोल्यूटली करेक्ट, इट इज़ नीरज, बिल्कुल नीरज धवन साहब इज़ द न्यू CRO ऑफ येस बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पार्टनर विद गूगल इंडिया टू प्रोवाइड लर्निंग टूल फॉर स्कूल्स। इनमें से कौन सा राज्य है जहाँ पर लर्निंग टूल फॉर स्कूल्स बनाया जा रहा है गूगल की हेल्प से। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ महाराष्ट्र। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 पर। व्हाट इज़ द सब्सिडी दैट शैल बी ऑफर्ड अंडर द इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी फॉर टू व्हीलर्स एंड ई रिक्शा। कितना सब्सिडी दिया जाएगा दो पहिया वाहन और ई रिक्शा वालों को दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत। द आंसर इज़ आपका 30,000 रुपीज़।
तो गाइस अगर आपका स्कोर 15-on-15 है, इफ़ योर स्कोर इज़ 15-on-15 देन यू आर अ चैम्पियन ऑफ चैम्पियन। अगर आपका स्कोर दोस्तों 14-on-15 है तो दोस्तों आप क्या हो, तो आप दोस्तों हो छोटा भीम, ठीक है। अगर आपका स्कोर 13-on-15 है तो आप क्या हो, तो आप हो छोटा बीरबल। और अगर आपका स्कोर गाइस 8 से 12 के बीच है तो आप क्या हो, आप नोबिता हो, ऑलराइट। एंड अगर आपका स्कोर 5 से कम हो तो आप क्या हो गाइस, अभी आप जान लो आप क्या हो सकते हो, कोई भी नाम ले लो, मुझे नाम नहीं पता, पर ये आप स्क्रीन पर आपको आप क्या हो ये आप देख सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए हाँ, अगर आप ये है तो आप शिनचैन हो, अगर 5 से कम है तो, मतलब बच्चों वाली हरकतें गई नहीं आप लोग की, ऑलराइट। सो गाइस ओके, सो आई होप एवरीवन एंजॉयड। ओके नाउ बिफोर मूविंग फर्दर आई वुड वांट टू गिव यू द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको वो लिंक मिल जाए, और वो लिंक मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड जो है वो कर दिया है, ऑलराइट। यस, लेट्स नाउ प्रोसीड टू द बिग स्टोरी। आज हम डिस्कस करेंगे 3 बिग स्टोरीज को, और ये रही आपके सामने हमारी आज की पहली बिग स्टोरी। ये रहा आपके सामने गाइस, टेलीग्राम का लिंक मैं दे दिया है। यस ओके, लेट्स प्रोसीड। द ट्राइफेड हैज सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे, इट्स 33rd फाउंडेशन डे ऑन 6th August 2020, वेयर इट हैज़ ऑल्सो लॉन्च इट्स ओन वर्चुअल ऑफिस। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 6 अगस्त को अपना 33rd फाउंडेशन डे मनाया और अपना एक वर्चुअल ऑफिस भी ओपन किया। स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रहा आपके सामने। इस दिन दे हैव ओपन्ड 81 ऑनलाइन वर्क स्टेशंस और 100 एडिशनल कन्वर्जिंग स्टेट एंड एजेंसी वर्क स्टेशंस। तो करीब 181 वर्चुअल स्टेशंस को लॉन्च किया है। इसके अलावा दे हैव ऑल्सो लॉन्च्ड एन एम्प्लॉई एंगेजमेंट एंड वर्क डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स, इसको भी लॉन्च किया है, जिसमें डैशबोर्डिंग होगा और एम्प्लॉयज़ जो हैं ट्राइफेड के, वो इसमें अपने को फिल कर पाएंगे। ट्राइफेड की बात करें, इसका फुल फॉर्म ऑलरेडी मैंने बता दिया है, 1987 में आपका बना, एंड इट इज़ अ नेशनल बॉडी फॉर द देसी मूवमेंट ऑफ ट्राइबल प्रोड्यूस एंड ट्राइबल मार्केटिंग, उसके लिए इसको बनाया गया है। इसके हेडक्वार्टर्स आपके हैं न्यू दिल्ली के अंदर। इसके दो फंक्शन, देर आर टू फंक्शंस ऑफ ट्राइफेड। पहला फंक्शन है द प्रोडक्शन ऑफ MFP, दैट इज़ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉर एग्जाम्पल टिम्बर या नॉन टिम प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स। और सेकेंड, रिटेल मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स, जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं उनका रिटेल मार्केटिंग करना, ये इसका अहम मकसद है। समझ में आ गया सबको, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, यस सर यस सर यस सर वी अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आपके सामने अगली खबर। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र 8 अगस्त को। आइए जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये रहा आपके सामने। द राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र गाइस विल बी एन इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर ऑन द स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर ये आपको जानकारी प्रोवाइड करेगा। इसके 3 फोकस हैं। पहला गाइस, मोदी जी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिहेवियर चेंज कैंपेन, कैसे हमने लोगों को चेंज किया उसको दिखाएगा ये। सेकेंड, इट विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अवेयरनेस एंड एजुकेशन अबाउट स्वच्छता, सफाई के ऊपर, क्लिनलीनेस के ऊपर ये आपकी जानकारी प्रोवाइड करेगा। और इस केंद्र को अनाउंस किया गया था फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द 100 ईयर सेलिब्रेशन ऑफ महात्मा गांधीज चंपारण सत्याग्रह, उस दिन इसको इनॉग्रेट किया गया था। अगर हम बात करें इस मिशन के बारे में, दिस मिशन वॉज स्टार्टेड इन 2014 2nd October। दिस मिशन इज़ 2 पार्ट्स। पहला मिशन का नाम है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, जिसको रेगुलेट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। और सेकेंड मिशन का नाम है आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जिसको इम्प्लीमेंट कर रहा है द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो कि अब जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आपका आता है। इंडिया अचीव्ड ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच करने का जो एक टारगेट था कि सबको बंद कर देना, सो इंडिया इम्प्लीमेंटेड द ODF ऑन 2nd October 2019। इस दिन इंडिया ने कंप्लीट ODF आपका जो है वो अचीव कर लिया था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक इज़ एन NGO गाइस, ट्रैफिक इंडिया, जिसने कि अभी हाल ही में रिलीज़ किया है एक डेटा, एक पेपर टाइटल्ड Spotted in illegal wildlife trade, a peek into the ongoing poaching, poking and illegal trade of leopards in India. तो इन्होंने लेपर्ड्स के ऊपर अपना एक दोस्तों अपडेट दिया है। आइए ज़रा इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। विशाल शर्मा जी, ODF का फुल फॉर्म है ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच मना करना, कोई खुले में शौच या टॉयलेट नहीं करेगा। ऑल राइट विशाल जी, प्यारे भाई जी। अच्छा, एक सवाल आया, पोकिंग होता क्या? पोचिंग होता है जब हम इलीगल तरीके से एनिमल्स को मारते हैं
और उनका जो मीट है, उनका जो बॉडी पार्ट है उसको लेदर या अलग अलग पार्ट्स में बनाते हैं। तो पोचिंग को रोकने के लिए, शिकार को रोकने के लिए ये काम यहाँ पर किया गया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं गाइस, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का फोकस है टू स्टॉप मोर्टैलिटी ऑफ कॉमन लेपर्ड। जो कॉमन लेपर्ड्स पाए जाते हैं इंडिया में, उनके मोर्टैलिटी को कम करना, उनके मृत्यु को रोकना। अकॉर्डिंग टू अ डेटा, 747 लेपर्ड डेथ्स हैव हैपेंड बिटवीन 2015 एंड 2019, और इन डेथ्स में 596 डेथ्स वर किल्ड ड्यू टू इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। मतलब 747 लेपर्ड डेथ्स में 596 जो डेथ हुई हैं उन्हें किल किया गया है अंडर इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। मैक्सिमम जो आपकी पोचिंग हुई है दैट हैज़ हैपेंड इन उत्तराखंड और महाराष्ट्र में, और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड में सबसे कॉमन जो उनका प्रोडक्ट जिसके लिए वाइल्ड लाइफ में इलीगल किलिंग हो रही है वो आपका है स्किन। स्किन के लिए मैक्सिमम किलिंग आपकी हो रही है। जो इससे पहले सेंसस हुआ था दैट हैपेंड इन 2014, और ट्रैफिक जो है इट स्टैंड्स फॉर द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। बेसिकली ये एक एनजीओ है जो कि ग्लोबली ट्रेड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स पे वर्क करता है। ट्रैफिक वॉज फाउंडेड इन 1976। इट वॉज फाउंडेड विद द हेल्प ऑफ WWF एंड IUCN, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर प्लस इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इन लोगों ने मिलकर आपका ट्रैफिक को बनाया था। समझ में आ गया आपको, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। यस सर परनीता जी, सिर्फ स्किन की बात नहीं कर रहे हैं, 69% आपका स्किन को लेकर किलिंग होती है, बाकी किलिंग बाकी काम के लिए होती है। समझ में आ गया सबको, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइज आते हैं हमारे भूले बिस्तरे MCQ पे। जय अंकल जी, आपको हमारा प्रणाम। और ये हैं वो 5 क्वेश्चंस जो कि रेलिवेंट हैं, जो शायद मेरे से सैटरडे को मिस हो गए होंगे। एंड ये रहा आपके सामने हमारा पहला क्वेश्चन। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड अमेजिंग अयोध्या। अमेजिंग अयोध्या को इनमें से दोस्तों किसने टाइटल दिया है? किसने ऑथर किया है? निरुपमा यादव, रस्किन बॉन्ड, अमिताभ घोष, नीना राय या फिर आपका VK चौधरी? एंड द आंसर इज इट्स ऑप्शन डी, दैट इज नीना राय जी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड अ OHE इंस्पेक्शन ऐप। इनमें से किसने अभी हाल ही में स्टार्ट किया है OHE आपका इंस्पेक्शन ऐप? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, इंडियन रेलवे। इसका फुल फॉर्म है ओवरहेड एस्टिमेशन, जो कितना आपका सामान रखा है एक बोगी में, कितने लेवल तक रखा है उसको इंडियन रेलवेज करेगा। जय अंकल जी। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियाज फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर विल बी ओपन इन विच स्टेट। भारत का पहला जो आपका स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर है वो इनमें से ओपन कहाँ होगा? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, जो कि है उत्तराखंड में आपका ये ओपन जो है वो किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फेमस पर्सनैलिटी जो होसे रेस हैज़ वी रिटायर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। इनमें से किस खेल से जॉन रायस ने रिटायर किया है? ये बहुत ही फेमस आपके प्लेयर थे। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ बेसबॉल। बेसबॉल से इन्होंने, जय अंकल जी, हाल ही में रिटायर किया। और आखिरी सवाल पे आते हैं। यूनियन पावर मिनिस्टर श्री RK सिंह हैज़ लॉन्च्ड 3 विंड प्रोजेक्ट्स विद हाउ मच कैपेसिटी। कितने कैपेसिटी वाले 3 विंड प्रोजेक्ट को हाल ही में मिनिस्टर ऑफ पावर मिस्टर RK सिंह ने दोस्तों लॉन्च किया है? इसका आंसर इनमें से क्या होगा? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट्स ऑप्शन बी, 800 मेगावाट। इसका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले रिपीट फिर से कर दूंगा, ये लिंक है, इस लिंक पे जाकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ PDF क्विजेस सब कुछ होता है। ऑलराइट, और साथ ही साथ अब हम शुरू करते हैं हमारे आज के एनालिसिस को। आई होप आज थोड़ा लेट हो गया है, पर कोई दिक्कत नहीं, पूरा करके ही जाएंगे, अब उसको लेके चिंतित ना होइएगा। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द हिंदू एनालिसिस गाइस। नाउ वी विल डिस्कस द 9th एज वेल एज द 10th ऑफ ऑगस्ट करंट अफेयर्स। ऑलराइट, ओके, द फर्स्ट हेडलाइन गाइस। फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ऑन सैटरडे टुक चार्ज एज द न्यू कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के नए CAG के तौर पर शपथ ली है हमारे फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के श्री GC मुर्मू ने। इन्होंने रिप्लेस किया है दोस्तों श्री राजीव महर्षि को। CAG का टोटल टेन्योर होता है 6 साल का या 65 ईयर्स, जो पहले आ जाए। और आर्टिकल 148 में CAG इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। गाइस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये आपके सामने इमेज है। दिस इज़ एन इमेज गाइस कोझीकोड का जो कारीपुर एयरपोर्ट है, वहाँ पर अभी हाल ही में एक प्लेन क्रैश हुआ था, उसकी ये रिपोर्ट है। एंड गाइस इट इज़ अ टेबल टॉप रनवे, और भारत में आपके 5 टेबल टॉप रनवेज हैं, उनको पढ़ लीजिएगा। उनमें पहला है आपका कोझीकोड केरला में, जहाँ पर ये हुआ है।
सेकेंड है मैंगलोर कर्नाटका, थर्ड शिमला, फोर्थ पैक्योंग एंड फिफ्थ लेंगपुई। दीज आर द 5 टेबल टॉप रनवेज इन इंडिया गाइस, और ये सारे रिस्की होते हैं और यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, कैलीकट में हुआ, मेरी तरफ से गलती हुई है, कैलीकट में आपका ये हुआ है एंड स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इट इज़ द सेकेंड टाइम व्हेन इट हैज़ हैपेंड इन अ टेबल टॉप रनवे। इससे पहले आपका ये मैंगलोर में हो चुका है। टेबल टॉप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, देखिए ये आपका एक एलिवेशन होगा, इस एलिवेशन के ऊपर लैंड करना होगा, ठीक है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे एलिवेशन को, इमेज को, ये इमेज आपके सामने है। दिस इमेज इज एन एग्जांपल गाइस, सुरभि शर्मा ऑफ अ टेबल टॉप, जहाँ एक एलिवेशन पे आपका एक रनवे होता है। ऑलराइट, ये काफ़ी डेंजरस होता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। इंडिया चाइना मेजर जनरल्स हैव डिस्कस सिचुएशन इन एट दी देपसांग वैली। गाइस, भारत और चाइना के जो मेजर जनरल हैं उन्होंने वार्ता की अभी हाल ही में रिगार्डिंग द देपसांग वैली। आइए ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं। वेन्यू था इस मीटिंग का दौलत बेग ओल्डी, जो रीजन है आपका कंट्रोवर्सी का, ये एक इसका वेन्यू था। इस बार दो मेजर कंसर्न थे, पहला कंसर्न था देपसांग प्लेन और सेकेंड कंसर्न था आपका पैंगोंग सो। देपसांग ये आपका है, यहाँ पर आपका देपसांग वैली है और देपसांग वैली लोकेटेड है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि इंडिया और चाइना को सेपरेट करता है। और इस पर्टिकुलर वैली पर मेजर कंट्रोल रहा है आपका चाइना का सिंस 1962, ठीक है। तो इस वैली को लेकर अभी बातचीत हुई है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एंड ये बातचीत हुई है आपकी दौलत बेग ओल्डी में रिगार्डिंग देपसांग प्लेन, जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैं हट जाता हूँ, और सेकेंड आपका रिगार्डिंग पैंगोंग सो, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च इन दिल्ली, नोटिफाइड बाई दिल्ली गवर्नमेंट, seeks to effect a major transformation when it comes to last mile connectivity in the capital. Delhi सरकार की कोशिश है कि अंत तक हर किसी के पास कनेक्टिविटी पहुँचे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। आइए जरा डिस्कस कर लेते हैं कि इस पॉलिसी में अपडेट क्या क्या है, ये रहा आपके सामने। All delivery service providers shall be expected to convert 50% of their fleet operating in Delhi to electric by March 31, 2023। जितने भी भारत में डिलीवरी ऑपरेटर्स हैं उन्हें March 31, 2023 तक अपने 50% फ्लीट को कन्वर्ट करना है इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फर्स्ट। सेकंड, 100% ऑफ द फ्लीट्स विल बी कन्वर्टेड बाय March 31, 2025, मतलब 2025 तक 100% डिलीवरी शुड बी हैपनिंग थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। देर इज़ नो कैप, कोई भी अपर लिमिट नहीं है इन टर्म्स ऑफ द परमिट्स इशूड टू ई ऑटोज। उनका मानना है कि बेसिकली इलेक्ट्रिक आपका जीरो ऑटो ट्रांसमिशन है, जीरो ट्रांसमिशन देता है पोल्यूशन का, इसलिए कितने भी लोग परमिट ले सकते हैं फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसके अलावा अगर आप कोई टू व्हीलर लेते हैं, कोई ई ऑटो लेते हैं, तो वहाँ पर भी आपको 30,000 रुपीज़ का सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा। और आखिरी में गाइज, 1,000 ई बसेज जो हैं उनको लॉन्च किया जाएगा इन दिल्ली बाय 2020, एक 2020 के अंदर ही आपकी 1000 बसेस जो हैं उनको लाया जाएगा रोड्स के ऊपर। सबको समझ में आ गया, प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, यस सर, यस सर, यस सर, वीव अंडरस्टूड। नेक्स्ट पे आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है गाइस। इंडियन रेलवेज हैज़ डेवलप्ड अ म्यूजियम मालगुड़ी एट द अरसालू रेलवे स्टेशन इन द शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट। एक बहुत ही फेमस सीरियल था बचपन में मेरे, उसका नाम था मालगुडी डेज। आई ऑलवेज यूज टू रिमेंबर द टोन, ता ना ना ता ना 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 ना, एक बहुत ही फेमस था। एंड गाइज, व्हेनेवर आई थिंक अबाउट दैट सीरीज आई गेट नॉस्टैल्जिक, द रीज़न व्हाई, इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल सीरीज। ये एक बुक पे बेस्ड है, उस बुक का नाम है स्वामी एंड फ्रेंड्स। वो बुक मालगुडी पर बेस्ड है, जो कि लिखी है बाय द ग्रेट लेट फॉर्मर कार्टूनिस्ट एंड ऑथर आर के नारायण। सो देर इज़ अ न्यू म्यूज़ियम जो कि बनाया जा रहा है एट दी अरसालू रेलवे स्टेशन। अब क्वेश्चन आपका आएगा कि अरसालू क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेनी ऑफ द एपिसोड्स ऑफ अरसालू और मेनी ऑफ द एपिसोड्स ऑफ द मालगुडी डेज टीवी सीरियल वर पिक्चराइज इन अरसालू रेलवे स्टेशन। इसी रेलवे स्टेशन पर कई आपके सीन्स लिए गए थे, आइए स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रहा आपके सामने। द इमेजिनरी टाउन ऑफ मालगुडी विच वॉज क्रिएटेड बाय राइटर आर के नारायण। सम ऑफ द एपिसोड्स ऑफ दीज मालगुडी डेज वर शॉट एट अरसालू। द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस म्यूजियम गाइस इज 25 लाख रुपीज़। और इसी पर्टिकुलर स्टेशन पर एक नैरो गेज कोच, एक छोटे से रेलवे कोच को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू अ टी शॉप विच विल बी नेम्ड एज मालगुडी चाय।
तो उस वजह से भी इम्पोर्टेंट है। ये किस स्टेट में आपका है? कर्नाटका स्टेट में आपका ये मालगुडी म्यूजियम आपका सेटअप किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मर एमपी नंदी यलैया, ये बहुत ही आसान हेडलाइन है। फॉर्मर कांग्रेस लीडर एंड एमपी नंदी यलैया हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 78। ही वॉज इलेक्टेड 6 टाइम्स फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा ट्वाइस। इनका नाम है नंदी यलैया। इनका दोस्तों अभी हाल ही में देहांत हो गया। इनका नाम है दोस्तों नंदी यलैया। नेक्स्ट पे आते हैं। फ्रांस विल हेल्प मॉरिशियस डील विद द ऑयल स्पिल। गाइज, एक जापानीज शिप था, उसका नाम है एमवी वाकाशियो। इट स्ट्रक अ रीफ ऑन द सदर्न ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द मॉरिशियस आइलैंड। जिस वजह से बड़ी मात्रा में ऑयल हैज स्पिल्ड इन द मॉरिशियस रीजन, एंड फ्रांस ने अपनी स्पेशलिस्ट टीम को भेजा है ताकि ये जो ऑयल स्पिल हुआ है इसको हम कन्वर्ट करें। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये इमेज आपके सामने दी हुई है। दिस इज़ द इमेज गाइज ऑफ द शिप। और ये शिप आपका एक रीफ पर अटैक किया, जिससे कि ये जो आपके सामने है ना, दीज ऑल आपका क्या है, दीज ऑल दी ऑयल स्पिल, ये आपका मॉरिशियस में आपका फैल गया है। तो इसके लिए फ्रांस ने दोस्तों हेल्प भेजी है। याद रहेगा आपको एवरीवन, प्लीज़ गिव मी एन आंसर, यस सर यस सर यस सर, अगर आपको याद रहेगा तो। नहीं राजेश जी, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की है मॉरिशियस ने। मॉरिशियस हैज डिक्लेयर्ड एनवायरमेंटल इमरजेंसी। क्या इमरजेंसी डिक्लेयर की है? एनवायरमेंटल, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेंटर हैज़ रिलीज्ड 553.5 crores टू अ न्यू फार्म मैकेनिज्म स्कीम अंडर द एग्रीकल्चर सेक्टर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 553 crore दिए हैं टू प्रमोट मैकेनाइजेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। आइए स्क्रीन पर देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने। दिस पर्टिकुलर मिशन इज कॉल्ड एज द सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। दिस मिशन वाज स्टार्टेड इन अप्रैल 2014। ये मिशन आपका अप्रैल 2014 में स्टार्ट हुआ था। इसका मेन कंसेप्ट है टू ग्रो मैकेनाइजेशन ऑफ फार्म्स। फार्म्स में मशीन्स का यूज़ को ग्रो करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। इन 2020 ओवरऑल 1033 crores हैज़ बीन गिवन। और टोटल फंड जो प्रोवाइड किए गए हैं बिटवीन 2018-19 टू पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड द नेशनल कैपिटल रीजन, वो आपका 1178.47 crore दिया गया है, जिसमें कि जो कि आपका 2 सालों का है। और अभी फ़िलहाल इस स्कीम को दिए गए हैं 553 crores। याद रहेगा सबको, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, यस सर याद रहेगा। आई अगेन रिपीट, 553 crore हैज़ बीन गिवन टू द सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, जो कि एक अप्रैल 2014 की स्कीम है टू इम्प्रूव मशीन्स एंड मैकेनाइजेशन ऑफ द फार्मिंग सेक्टर। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड हैज़ रिवाइज्ड इट्स प्रोडक्शन टारगेट टू 660 million tons ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम अर्लियर 701 million tons ऑफ प्रोडक्शन। कोल इंडिया लिमिटेड ने जो उसका अर्लियर टारगेट था 710 मिलियन टन्स का, उसको अब कम किया है। और अब नाउ द न्यू लोअर टारगेट ऑफ CIL गाइस इज बिटवीन 650 to 660 megawatt। दे आर एक्सपेक्टिंग अ ग्रोथ ऑफ 7-8% इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट इन टर्म्स ऑफ डिमांड। पिछले साल दे प्रोड्यूस 602 million ton ऑफ कोल। दे हैड अ टारगेट ऑफ 630 million और उन्होंने 602 million टारगेट अचीव किया था। इस साल टारगेट था आपका 710 million का, जिसको कम किया गया है टू 650 to 660। CIL की बात करें, इसका फुल फॉर्म है कोल इंडिया लिमिटेड। इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन कोलकाता। 1975 में CIL बना और श्री प्रमोद अग्रवाल इज़ द हेड ऑफ दी CIL। तो याद रखिएगा कि नाउ द न्यू टारगेट ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड गाइज इज एट बिटवीन 650 to 660 megawatt। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों 10th August की करंट अफेयर्स पर। आई होप everyone इज़ रेडी। ओके, पहले हेडलाइन पे आते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री विल इम्पोज एम्बार्गो ऑन 101 items। जो हमारा डिफेंस मंत्रालय है वो 101 items पर एम्बार्गो, मतलब उन पर वो पाबंदी लगाएगा। उन आइटम्स को इंडिया में इम्पोर्ट नहीं करेगा। दे विल रिस्ट्रिक्ट एंड बैन द इम्पोर्ट ऑफ 101 defense items। याद रखिएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रहे हैं द डिफेंस मिनिस्ट्री। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, एम्बार्गो मतलब होता है पाबंदी या रिस्ट्रिक्शंस। एम्बार्गो मीन्स पाबंदियाँ या रिस्ट्रिक्शंस। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपके सामने। अकॉर्डिंग टू द ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर, इंडिजिनसली, इसका मतलब क्या होता है, इंडिया मेड, तो इंडिया मेड मैन्युफैक्चर्ड डिफेंस प्रोडक्ट्स का टर्नओवर शुड रीच $25 बिलियन
बाय 2024, ये टारगेट है इंडिया का कि 2024 तक जो इंडिया बेस्ड आपका मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का टारगेट है दैट शुड बी $25 बिलियन। गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि एनी कॉन्ट्रैक्ट हुज़ वैल्यू इज़ अप टू ₹200 करोड़ वो आपका कोई भी फॉरेन कंपनी उस पर टेंडर नहीं लेगी। देर विल बी नो फॉरेन कंपनी दैट विल टेक टेंडर अगर अमाउंट आपका 200 करोड़ से कम का है। सिमिलरली जो एम्बार्गो होगा वो प्लान किया गया है टू बी अचीव बिटवीन 2020 to 2024, मतलब 2024 तक 101 आइटम्स तक एम्बार्गो आपका लगा दिया जाएगा। समझ में आ गया सबको, एक बार ज़रा कमेंट कर दीजिएगा। डॉलर या पाउंड, नवनीत घोष, बिलियन डॉलर्स है, पाउंड नहीं है गाइस, इट्स डॉलर्स। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रपोज्ड न्यू सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स इन तेलंगाना इन अमरावती गाइस has drawn inspiration from major temples in the state of Telangana. Telangana राज्य में कई सारे temples हैं, उन्हीं temples पर बेस होके जो बन रहा है secretariat जो बन रहा है तेलंगाना में वो उन्हीं temples पर बेस्ड है। आइए जरा स्क्रीन पर आपको दिखा देते हैं, ये रहा आपके सामने द डोम ऑन द फसाड ऑफ द इम्पोजिंग न्यू कॉम्प्लेक्स। जो डोम आपका स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये आपके दिया दिखा हुआ है, ये जो डोम बनेंगे आपके ऊपर ऊपर, ठीक है। These domes will be based on three temples, guys. The Neelakanteshwar Temple, the Hanuman Temple at Salangpur, the Vanaparthi and the Thousand Pillars Temple at Hanumkonda. In temples पर दोस्तों आपका ये आपके जो domes से वो बनेंगे। इसको design किया जा रहा है by Oscar and Pony Architect ने, और इसका जो design होगा that will be based on Deccan Kakatiya style. Kakatiya was one of the biggest, one of the longest rulers of this particular state, and वहाँ पर ही इस design को दोस्तों जो है वो किया जाएगा। So I'll again repeat to everyone guys that domes and the facade of the complex will be based on these temples. आनंद सिंह जी, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको करंट अफेयर्स, आपको क्या लग रहा है, मैं आपको क्या लग रहा हूँ यहाँ पर मैं गाने लिख रहा हूँ या फिर मैं डांस कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ भाई करंट अफेयर्स, पढ़ा और क्या पढ़ा रहा हूँ। फिस्कल मतलब अश्विनी होता है, एनी थिंग रिलेटेड टू टैक्सेस दैट इज़ फिस्कल। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गलती हो गई मेरे से, तेलंगाना में हो रहा है, मेरी गलती हो गई है, अमरावती में नहीं हो रहा, तेलंगाना में हो रहा है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू इंफ्रा स्कीम एंड दिस स्कीम इज़ अंडर द 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मेंट फॉर सेटिंग अप स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़। जो हमारे मोदी जी हैं उन्होंने एक पीएम इंफ्रा स्कीम लॉन्च की है, इसी पर्टिकुलर मीटिंग में उन्होंने दिए हैं 17,000 करोड़ रुपए टू 8.5 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम किसान। स्कीम की बात करें तो 1 ट्रिलियन रुपीज़ का लोन दिया जाएगा टू कोऑपरेटिव्स, टू फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज, टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, टू एंटरप्रेन्योर्स, टू स्टार्टअप्स एंड टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स। करीब एक ट्रिलियन रुपीज़ को लोन दिया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग टू पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हार्वेस्टिंग के बाद, उगाई के बाद जो एक इंफ्रा है उसको बेटर करने के लिए ये एक कंसेप्ट है। ऑल लोन्स अप टू ₹2 करोड़ विल ऑल्सो बी गिवन अ इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 3%। जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उस इंटरेस्ट रेट पर 2 करोड़ के लोन तक 3% का सरकार इंटरेस्ट देगी। फॉर एग्जाम्पल, सब्सिडी मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट, तो इंडिया सरकार 3% का कॉन्ट्रीब्यूशन देगी। द लोन्स विल बी डिस्पर्स्ड ओवर 4 ईयर्स, 4 सालों के दौरान इन लोन्स को दिया जाएगा। इस साल दिया जाएगा 10,000 करोड़ के लोन और आने वाले 3 सालों में 30,000 करोड़ के लोन दिए जाएंगे अंडर दी पीएम इंफ्रा स्कीम। मैं रिपीट फिर से कर दूंगा, 10,000 करोड़ लोन दिया जाएगा इस साल एंड 30,000 करोड़ लोन विल बी प्रोवाइडेड इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, आने वाले 3 सालों में 30,000 करोड़ लोन आपके दोस्तों जो हैं वो की जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी विल इनॉग्रेट चेन्नई अंडमान निकोबार सबमरीन केबल प्रोजेक्ट टुडे। आज दोस्तों 1224 करोड़ रुपीज़ का जो एक सब सी ऑप्टिकल फाइबर केबल सिस्टम है विच विल लिंक चेन्नई एंड पोर्ट प्लेयर, उसको आज मोदी जी लॉन्च करेंगे। मैं रिपीट फिर से कर दूँ गाइज, 1224 करोड़ सब सी ऑप्टिकल फाइबर केबल सिस्टम को आज लॉन्च किया जाएगा जो कि लिंक करेगा आपका चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपके सामने। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का एम होगा टू बूस्ट लैंडलाइन एंड मोबाइल ब्रॉडबैंड इन अंडमान निकोबार में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को यूज़ करने के लिए दे विल लॉन्च दिस।
दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज़ फंडेड बाय यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड विच इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस. द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विल बी डन बाय BSNL एंड टेक्निकल कंसल्टेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट गाइज इज टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड और TCI. मैं रिपीट फिर से कर दूँ गाइज, अ सबसी लिंक चैनल बिटवीन चेन्नई एंड अंडमान निकोबार विल बी स्टार्टेड. इसका मेन एम होगा टू इम्प्रूव ब्रॉडबैंड इन अंडमान निकोबार. इसको फंड किया है USOF या फिर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ने. एग्जीक्यूशन किया है BSNL ने और इसका टेक्निकल कंसल्टेंट जो है दैट इज़ द TCIL. याद रहेगा सबको. चलिए आगे बढ़ते हैं. महिंदा राजपक्सा हुज पॉलिटिकल पार्टी वन द इलेक्शंस इन श्रीलंका हैज़ बीन स्वॉन इन एज द श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर. ही इज़ फ्रॉम द रूलिंग पार्टी विच हैज़ वन द सीट्स एंड ही वॉज ही रिसीव द अपॉइंटमेंट बाय हिज यंगर ब्रदर गोटाबाया राजपक्से. उन्होंने ही इस उनको ये सम्मान दोस्तों जो है वो प्रोवाइड किया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. यूवेंटस फॉर्मर मिडफील्डर एंड लेजेंड ऑफ इटली आंद्रा पिर्लो एज द न्यू कोच. यूवेंटस ने अपना जो नया कोच बनाया है उनका नाम है आंद्रिया पिर्लो एंड ही दिस इज हिज सीनियर रोल गाइज. ही वॉज ही इज़ अ वर्ल्ड कप विनर फॉर इटली इन 2006. तो इनको बनाया गया है दी कोच दी न्यू कोच ऑफ द यूवेंटस फुटबॉल टीम इन इटली. आगे बढ़ते हैं. अ न्यू बाइक ड्राइवर ब्रैड बाइंडर हैज़ वन द चेक मोटो GP रिसेंटली गाइज. चेक मोटो GP को हाल ही में जीता है ब्रैड ब्राइंडर ने. दिस इज़ हिज फर्स्ट विक्ट्री एट द एलीट लेवल एंड इट इज़ ही इज़ अ साउथ अफ्रीकन गाइज एंड ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू फर्स्ट साउथ अफ्रीकन टू विन द मोटो GP. इनका नाम दोस्तों है आपका ब्रैड बाइंडर. आगे बढ़ते हैं. मणिपुर्स लाइशराम मणिटोम्बी सिंह हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 39 गाइज. He was a legendary player for India as well as for Mohun Bagan and he has succumbed to illness and he has recently guys passed away. Inka naam dosto hai Laishram Maintobi Singh. He played as a side back as well as he represented India in 2002 in various championships and inka dosto haal hi mein dehant hua. Inka naam dosto hai aapka Laishram Maintobi Singh. Aage badhte hain. The Silverstone Grand Prix has been won by Red Bull's Max Verstappen. I'll again repeat, a surprise is bar. Red Bull ka ki team ke jo Max Verstappen hai, he has won the Formula One Silverstone Grand Prix. At the second spot, we have the reigning world champion Lewis Hamilton, who won the previous championship, previous Grand Prix. But the Silverstone Grand Prix has been won by Max Verstappen, who drives the Red Bull. Alright, and Lewis Hamilton has equaled Michael Schumacher's record of 155 podium finishes. Unhone jo Michael Schumacher ka record hai to finish 155 times on in the top 3, usko jeeta hai dosto Lewis Hamilton ne. Alright, and ye screen pe bhi aap dekh sakte hain. Chaliye aage badhte hain. So with this guys, we will come to an end. Thank you so much aapka yahan par aane ke liye. Ab guys, aapke liye quiz hai hamare. Pehla sawal mera aapse dosto hai, please tell me my first question is, please tell me Sebastian Vettel is associated with which sport? Sebastian Vettel ka sambandh kisse hai? Theek hai, pehla question. Second, Lin Dan is associated with which of the following? Kis associated Lin Dan? Question number 3, Aparna Mohan is associated with which sport? Aparna Mohan. Question number 4, Joshna Chinappa ka sambandh kisse hai? Agar aapko participate karna hai hamare championship quiz mein, to meri email ID hai kush.pandey@grid.co. वहाँ पर जाइएगा. बाकी गाइज याद रखिएगा कि यू कैन मीट कार्तिक आर्यन इन आर सुपर चैट विद कार्तिक आर्यन विच विल बी अवेलेबल August 13 एट 7 PM. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक को कॉपी करें, उस लिंक पे जाके अपने आप को इसका मेंबर बनाएं एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सुपर चैट विद कार्तिक आर्यन एंड देर इज़ अ प्राइज मनी अप टू ₹25 lakh to be won by everyone else. ऑल राइट, बाकी ये लिंक दिया.